अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई वेलकम करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक फिर से होम्योपैथिक के ऊपर होने वाला है कि होम्योपैथिक के क्या फ़ायदे हैं बर्ड्स के लिए। यार आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडिंग फार्मूला लेके आया हूँ जो खास उन फैंसियर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी शिकायत हमेशा रहती है। यार लोग कहते हैं कि सर्दियों में बर्ड ब्रीड करते हैं, सर्दियाँ आ गई अभी बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा। तो ये जो ब्रीडिंग फार्मूला है इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है न्यूट्रिशंस हैं और मिनरल्स, फास्फोरस और अपना बहुत ही किस्म के विटामिन हो गए, जैसे जिंक हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन D3 हो गया, B12 हो गया। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में मौजूद है। अच्छा देखें, सबसे पहले बात, हमेशा एक बात याद रखें कि आपने हमेशा अपने बर्ड्स को होम्योपैथिक यूज़ करानी है, एलोपैथिक कभी भी यूज़ नहीं करानी, क्योंकि एलोपैथिक के नुकसान बहुत होते हैं और फ़ायदे बहुत ही कम। वेट्स की जो दवाइयाँ होती हैं, जो वेटनरी की दवाइयाँ होती हैं, उनमें भी नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं और फ़ायदे बिल्कुल कम। वो उनको, उनके जिगर को मुतासर कर देती है, क्योंकि वो दवाइयाँ बहुत ही गर्म होती हैं। वो बनस्बत ब्रीडिंग के लिए नहीं, बाज़त उनके अंदरूनी उनका सिस्टम, अम्यून सिस्टम इतना ख़त्म कर देती है कि जहाँ पे बर्ड ने 3 साल 4 साल चलना होता है, वहाँ पे बर्ड जो है 2-3 ब्रीड के बाद बिल्कुल ये ख़त्म हो जाता है। तो हमने हमेशा ऐसी चीज़ यूज़ करानी है जो हमारे बर्ड की ब्रीडिंग प्रोसेस को तो बढ़ाए पर उसकी जो है उम्र का भी जो है वो ख्याल रखे। क्योंकि देखें, बाज़त ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बर्ड की उम्र ख़त्म कर देती है, बर्ड को कमज़ोर कर देती है, पर ये जो दवाई है इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ है। और ये चीज़ मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वो चीज़ है जो मैंने खुद ने यूज़ कराई, मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तभी मैंने कहा चले अपने दोस्तों के साथ भी शेयर की जाए। यार सबसे पहली दवाई जो आती है हमारे पास वो आती है अल्फा अल्फा क्यू। बहुत ही प्यारी दवाई है, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और दूसरी दवाई हमारे पास आती है वो आती है चाइना क्यू। अच्छा, इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ही आसान है, इन दोनों को हमने ले लेना है, ठीक है। पॉट आप रात को पानी निकाल दें, ठीक है, सुबह को आपने पानी डालना फ्रेश पानी में। आपने क्या करना है, चार कतरे उसके डालने। अच्छा, करना यह है कि पानी इतना डालना है कि वो एक दिन तक पी सकें, एक दिन के बाद आपने हटा देना है। तकरीबन आप जो है रात के दोबारा हटा दें, फिर दूसरे दिन ये चलाएं, तकरीबन एक हफ्ता ये आप दवाई चलाएं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। ये दवाई चलाने के बाद, ठीक है, आपने जो है अपने बर्ड को कुछ दिन फिर जो है ये दवाई नहीं देनी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बर्ड को लूसन देनी है, ठीक है। एक जोड़े को आप 2-3 के लूसन देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, हर जोड़े को 2-3 के देने, ठीक है। उसके बाद आपने जो है दोबारा फिर क्या करना है, एक हफ्ते तक लूसन चला देने, फिर ये फार्मूला चला देना। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी ब्रीड आएगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस दवाई का। और मुझे पता है कि आपको इस दवाई से बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने खुद इस दवाई से फ़ायदा उठाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह लास्ट में बोलूँगा, यार सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो पहुँचाया करें। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपके बर्ड्स को इस चीज़ से क्या फ़ायदा पड़ा। अगर कोई फ़ायदा पड़ा हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हमारा नंबर भी है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।